जमशेदपुर में एक दसवीं के छात्र आदित्य ने पानी से चलने वाले मोटरसाइकिल का इजाद किया है। इसे स्टार्ट करने के लिए शुरू में ही पेट्रोल और मोबाइल की जरूरत है और स्टार्ट होने के बाद मोपैड में लगा इंजन हाइड्रोलोसिस के पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता है और उसके बाद हाइड्रोजन के जलने से जो ऊर्जा पैदा होती है, जो एनर्जी पैदा होती है, उसे मोटर साइकिल चलती है। ये लीटर पानी में 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करता है और आपको बता दें कि मोपेड में थोड़ा ईंधन की जरूरत होती है, बाइक में नहीं होती है। बाइक सेल्फ स्टार्ट होगी। पुराने मोपेड में इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए 2000 और बाइक में 1500 तक खर्च आएगा। इस तकनीक को खड़गपुर IIT में सराहा गया है लेकिन और सुधार करने की बात कही गई है और उसके बाद आदित्य से पेटेंट कर पाएगा। आदित्य का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और इसके जरिए प्रदूषण मुक्त बाइक बिना खर्च के चलाकर जनता को कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी। आदित्य अपने साथियों के साथ पढ़ाई के बाद इसे पूरे करने में पूरा लगा हुआ है। वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मेक इन इंडिया के सपने को झारखंड में पूरा करना चाहता है। छोटे से कमरे में बैठे कर पढ़ाई करने वाले आदित्य पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं।